हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज तो ऐसी बटरफ्लाई सी पेट में कूद रही है कि क्या बताऊं। पेट में नहीं, कहीं और कूद रही दिखती वो बटरफ्लाई है। सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हम अंकल आंटी को देने वाले हैं सरप्राइज। अभी कैसे था, हमने उनको ये बोला कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बीच में कि घर नहीं देख पा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, हम लोग बिजी हैं बहुत ज्यादा। हम लोगों ने फाइनल तो कर दिया था, जस्ट बहुत हम वेट कर रहे थे राइट मोमेंट का। आज हम लोग फाइनली उनको देने वाले हैं घर। और अभी भी हमने ये बोला है कि अंकल दो तीन घर आपके लायक पसंद आए हैं, क्या आंटी को पसंद आ जाएंगे, अंकल को पसंद आ जाएंगे। तो एक बार मैं जा रहा था यशी के साथ, यशी को विजिट कराना है, तो आप लोग भी चल लो साथ के साथ, फिर अपन को और भी काम करने हैं। दोनों को फोन कर दिया मैंने, तो गाइस बड़ा मजा आने वाला है। एक्चुअली मैं पहले मैं बताता हूँ आपको, हम लोगों ने आज क्या प्लान सोचा था। वैसे तो कि हम लोग उसको ढकवा देंगे पूरे घर को, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो पूरा कपड़ा ही नहीं है, उतना बड़ा टेंट वालों का कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। टेंट वालों ने मना कर दिया, चार पांच जगह हमने वो बात करी, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार सरप्राइज तो देते हैं, बाद में जो उनकी एंट्री ग्रैंड एंट्री वापस से प्लान कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम चाहिए और हमसे अब रुका नहीं जा रहा है उनको बिना बताए। अब सीन ऐसा है कि गाइज बताना भी जरूरी है, कल को गलती से निकल गया मुंह से तो फिर वो एक्साइटमेंट वाला हम रिएक्शन नहीं देख पाएंगे। हम ही जानते हैं कि कैसे पेट में रखा है। हाँ, अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, उनका फेवरेट घर है वो। हाँ। जो पहले सबसे पहले मुझे पसंद आया था, मेरे को पसंद आ गया था, मैंने यशी को बोला था कि देखते हैं वो घर पसंद आ जाएगा। उसके अलावा वैसे बहुत घर देखे थे, लेकिन मन वही था सबका उस घर का। और यशी को भी एक बार में पसंद आ गया था, आंटी को भी एक बार में पसंद आ गया था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा उसका बजट बहुत बजट ऊपर था, बट लेकिन मैंने कहा जब ये पसंद आ गया है तो क्यों ना इसको डन कर दिया जाए। और भी इसी पीछे बहुत सारी स्टोरी है, वो हम आपको एक बार दे दे सरप्राइज, उसके बाद ही बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी बातें हैं इसके बीच की, तो पहले सरप्राइज देते हैं उनको, उसके बाद आगे का। सो बिग डे फॉर अस, फाइनली घर वालों को घर दे रहे हैं। बिग डे, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हो गया, लाइक हो गया टाइप। हाँ, कि हाँ, हो गया, डन, डन, डन। अब हमारी दो बड़ी ड्यूटी खत्म, बड़ी ड्यूटी खत्म नहीं, अभी बस थोड़ा सा काम कराना है उन चीजों में। हाँ। अच्छा गाइस, अभी घर जो हम लोग दे रहे हैं, आपको पता है घर बना बनाया मिलकर, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें होती है जो अपने मन की अपन लोग करवाते हैं, वो अभी उसके अंदर होंगी। और ये जो मंथ है इस टाइम पे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त वगैरह नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो जब हम लोग शिफ्ट होंगे उस टाइम पर हम आपको पूरा फिर टूर सरप्राइजेस। और लॉक भी नहीं खुल रहा अंकल आंटी से। अच्छा मैं बताऊं, लॉक नहीं खुल रहा, रोज लॉक ही खोल के आते हैं, नहीं के बिना लॉक खोले अंदर आते हैं, जैसे बाहर खड़े खड़े कर रहे हैं। और कैसी हो आज, तो बड़े नए नए आज सूट दिया, नया सूट दिया मौसम आंटी को, एकदम मस्त चॉकलेट मौसम आंटी, लो आ जाओ दिखा दो, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है मौसम। या तो तुम बिल्कुल चौपट रखते हो गेट, और या उसको लॉक करके रखते हो। भाई हमारे जो गेट है ना एक्सक्लूसिव है, ओहो लोगों से नहीं, लोगों से देखे, लोगों अच्छा, में अब हम लोग हो गए। और यही लोग इतना लेट आ रहे हैं भाई, ऐसा है ना हमारे को, तो जब तुम बोलोगे जब हम आएंगे, हमें क्या पता बोलने के बाद डेढ़ घंटा हो गया आपको आए हुए। अब देखो वो तो तैयार होने में और में टाइम लगता है। सही बात है, हम तो ऐसे चल रहे हैं, ये तैयार होके चल रहे हैं। हाँ सेठ जी तो यही है ना गाइस, ऑब्वियसली देखने तो यही जा रहे हैं। चलो 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 चलो, जाने की बात हुई, खाने बैठ गए भाई। मैंने ना रोटी बनवाई थी, नहीं हमारी नजर नहीं लगी, तो आराम से खा, एक डेढ़ घंटे लगते आने में, और आप गाड़ी चलाते हो ढाई घंटे लग जाएंगे। अभी मैंने बताया इसको एक ये वाला है, तो ये बोले बच्चों को ऐसा पसंद आएगा क्या, मैंने कहा भाई बच्चों को तो नहीं पसंद आएगा, उसके लायक तो है नहीं। आपको ड्रेस चाहिए पास में, कुछ भी चाहिए पास में, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मेरे कपड़े फाड़ देगी वो। हाँ माफ कर भैया, पहले ही पटाओ बनियान पहन ले, पहले चलो पूरी लिफ्ट में बुरी लगे और पतला हो जाए, जान मुझके खाना में खा रहा था दिखा दिया। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ इस गाड़ी में, मैं उधर इसलिए नहीं गई क्योंकि यार बोलोगे ना क्या बोलते हैं, उनके पीछे बैठाते हैं तो मुझे पागल कर देते, तो मैंने कहा मैं इधर आऊंगी और अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, तो हमने प्लान ऐसा कुछ बनाया कि हम लोग उनको ना ऐसे घर दिखा रहे हैं, एंड हम उनको पहले लेके जाएंगे एक घर पे कि ना ये घर यार इसकी चाबी नहीं मिल रही तो ये नहीं देख सकते, तो दूसरा देख लेते। तो हमने जो किया उसके पास एक और घर है सेम कुछ कुछ सेम बराबर, पर उससे छोटा है, तो हम बोलेंगे चलो एक बार वो भी देख ही आता है, मतलब आई गए तो देख लेते हैं, फिर हम बोलेंगे ये लो या वो करें, ये हमारा प्लान।
अब देखो कितना अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। वो हो नहीं पाया पता है। हाँ। जो अपन सोच रहे थे ना उसका फोन अभी आया मेरे पास जब मैं खाना करता अंकल आंटी के सामने। क्या बोला, क्या बोला भैया? वो हो जाएगा। आले जैसे भगवान की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में करेंगे अच्छे से। हाँ, बाद में जब हम मतलब अभी ऑफ कोर्स यार हम लोग है ना बहुत छोटे उस पे कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छा व्लॉग आएगा आपको देखिए। अब ये तो ऑफ कोर्स है ही स्पेशल, बट वो फिर और भी स्पेशल होगा। दोस्तों मैं इस गली में जा रहा था, सूरज ने अभी आगे ले लिया है ताकि ना ऐसे मतलब लगे कि हम कोई और घर देखने जा रहे हैं। उधर से ऐसे घुमा के ऐसे लेके जाएंगे। ओके 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 ओके, चलो जो भी है बस हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। अभी तो हम प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लग रहे हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि यार हम जो चाह रहे थे ना उतना अच्छा नहीं हो पाया। जो चाह रहे थे उसका फोन अभी आया बुद्धू का। चलो कोई नहीं, अब तो बस दीना है। जब एक्टिंग है बादशाह की एक्टिंग चालू होगी यहाँ पे। बोलेगा कि ओ शिट, हमें तो मिली ही नहीं चाबी, भैया के पास तो भी चाबी नहीं है, चलो कोई और घर देखते हैं। एक्टिंग के बादशाह अंकल अभी मिलने वाला है घर। हेलो, अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए हम? अच्छा यहाँ पे क्या करना है वाला जो देख रहे हैं? पता नहीं, ठीक है चलो। अंकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं अंकल? अभी बोल दिए मिलने वाला है घर। गाइस हम लोग मकान देखने जिस लोकेशन पे मेन आए थे वहाँ वाला ब्रोकर फोन ही नहीं उठा रहा। तो अभी हम लोग दूसरी साइड जा रहे हैं। मेरा मन जहाँ मेन था दिखाने का वहाँ पर अभी नहीं देख रहे। जहाँ पर मन कम है वहाँ के एक बार ऐसे घूम फिर के दिखा रहे हैं ताकि जब तक ब्रोकर एक बार फोन उठा लेंगे तो फिर वापस वहीं चल जाएंगे। क्या पता वो पसंद आ जाए, वहाँ पर डिस्टरबेंस आ गया बीच में, खेत के लिए क्षमा चाहते। क्या पता जहाँ देखने जा रहे वो पसंद आ जाए, वो ज्यादा बढ़िया लगे। वही तो देखो, दो तीन गलियों में है एक यार, वो गली एक बार गली तो याद है मेरे को, जहाँ तक मैं कल ये भी याद करके आया था। वो गली तो मेरे को फिर भी याद थी, उसके पीछे वाला है उसके आगे वाला है ऐसे करके। देखो ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, ब्रोकर ने फोन नहीं उठाया, हो सकता है ये ज्यादा अच्छा लग जाए अपने को। वो तो क्या पता आपकी किस्मत आंटी जी, वो तो मैं डिसाइड करूंगी। आंटी डिसाइड करेगी गाइस। देखो तुम डिसाइड करो, आंटी डिसाइड करो, मैं डिसाइड करूं, टीपू डिसाइड करे, कोई डिसीजन नहीं चलेगा। जो हमारे कान्हा जी करेंगे वो डिसीजन चलेगा। उनको उनको कहां अच्छी जगह लगती है, कहां विराजना है वो जानो। कान्हा जी की बिल्कुल वो करेंगे डिसाइड। गाड़ी मुड़ चुकी है पागल बनाने के बाद। इधर जा रहे हो आप? हमें तो पता ही नहीं है, प्लीज हमें भी बता दो, हमें भी बता दो प्लीज। इनसे पहले अपन पहुंच जाते नए घर पे। सरप्राइज। हेलो हेलो, फॉलो मी। अच्छा फॉलो मी। सूरज है ना बिल्कुल उल्टी सीधी गली से लेके जा रहा है, उनको बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। स्मार्ट वाली कोशिश तो कर रहा है ये, है नहीं? देखते हैं यार, देखते हैं। आ गए, फेट में गुल गुल मेट में गुल गुल। गाइस एक्टिंग करनी है, उतरते फुल। अरे ये कहां पे आ गए, ये क्या है? ये तो मैं पसंद नहीं था, मजा नहीं आ रहा। ओके सबको एक्टिंग करनी है, मना कर देंगे दीदी यार, ये करने देंगे। नहीं यार मजा नहीं आ रहा इसमें यार। सूरज सुन लो यार भैया, इसमें ये कमी है भाई, ले गया भाई गाड़ी बढ़ा लिया। तो ऐसा हो चुके हैं। क्या हाल है, ये बिक गया क्या? ये तो बिक गया, भी हो गया, बिक दिया। क्या हुआ, खरीदा फिर वापस बिक गया? नहीं नहीं, तो वो तो कैंसिल हो गया था पहले वाला। हाँ एक तो कैंसिल हो गया था, दूसरा तो बिक गया ना। और बिक गया नहीं, अभी इसकी चाबी, इसकी चाबी दे दिया पार्टी को, रजिस्ट्री हो जाता है तो चाबी। उधर का तो देख सकते हैं, उधर का तो देख सकते हैं। हां ये तो देख लीजिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पार्टी को कैसे दे दी चाबी? पार्टी कहां है बताओ, कब दिया आपने पार्टी को चाबी? नहीं दिए, नहीं दिए। क्यों नहीं ले गए आप? आप ले क्यों नहीं गए? तो ये रे मालिक, ये रे मालिक। अरे देखो यार गज़ब है ये। मैंने तेरे को क्या कहा था, मैंने तेरे को क्या कहा था? टीम में गार्ड साहब भी हमारी टीम में। ओहो गार्ड साहब, गार्ड साहब आप भी मत लिखो हमारे। गजब भाई ये बच्चे तो गजब है, ये तो बहुत तगड़ा काम किया तुमने। बस बढ़िया, वो लगी आप लोग की चाबी। लेट्स गेट इनसाइड। भाई ऐसे नहीं जाएंगे यार हम, हमारे कान्हा जी आएंगे। कान्हा जी तो कान्हा जी तो मुहूर्त पे आएंगे। अभी मुहूर्त आएंगे, अभी तो हम ऐसे नॉर्मली आपको दिखा रहे हैं। चलो चलो भाई चलो, बहुत तगड़ी चीटिंग करी है तुम लोगों ने हमारे साथ में। क्यों ये घर आपको पसंद नहीं था क्या? ये घर आपको पसंद नहीं था? देखो पसंद और नापसंद की बात नहीं है, लेकिन मैंने मिक्कू को क्या कहा था, मिक्कू ध्यान है तेरे को? अब मुंह बना रही है तू? प्लीज यार सरप्राइज खराब कर दूं फिर? अरे यार सरप्राइज ऐसा ऐसे सरप्राइज होता है क्या? हम बताएंगे वो स्टोरी, बताएंगे बताएंगे ये वाला ले लो।
ये गाइस फाइनली इस घर के अंदर जा रहे हैं। यार एक बात बताऊं मैं, घर तो अच्छा है, घर तो अंदर से देखूंगी, मैं तो भूल गई थी क्या हो गया। देखूंगी नहीं, हमारा आइडिया जो था ना, मैंने कहा इन बच्चों ने कर तो लिया है लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल सही निकला हमारा। चलो चलो शाबाश, चलो। हेलो, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। ओके, आज वो कर दिखाया जो अभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था। अरे यार, हकीकत में मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी ये चीज कि ऐसा भी होगा, लेकिन आज इस मेरी बेटी ने किया। ये बेटी तो हमें सबको इमोशनल कर दिया। नहीं हकीकत में वास्तव में मजाक की बात नहीं। ओके सो गाइस, मत हो यार, चलो देखो देखो आंटी तो अंदर नहीं गई यार, आंटी तो अपना घर ना अपनी है। ये बेटा ये आंसू जो ना, ये खुशी के आंसू है ये। ओके, कभी जिंदगी में मेरी आंखों में आंसू नहीं आए लेकिन आज आ गए। डॉग भी आ गया आपके लिए अंकल, चिमनी उनके पास है। किसी की बेटी करती है, नहीं किसी के बेटा करता है, हमारी तो बेटियों ने किया भाई, सबने बहुत बड़ी बात है, मिलजुल के किया है। और वैसे सहयोग मेरे बच्चों का सबका है, सूरज का, टीपू का, भानु का, हितेश का, सब बच्चों का होते हैं। अरे यार आओ यार अंकल, अरे चलो यार डैडी, यार बोलो शाम प्यारे की जय, गोपाल की जय, मेरे कान्हा जी की जय। हमारे तो टीपू भैया पहले रोते हैं ये यार, ये इमोशनल मूवमेंट, ये पली ऐसा है, क्या करे इसमें ये बताओ, इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है यार। मैं ये तो देते वक्त ही इसके तो आंखों में नहीं, इसके क्यों हो रहा है अभी तक, तो ऐसे कुछ चार बात हुई ही यार, नहीं। बहुत बड़ी चीज है ना यार, ये हम कब से वेट कर रहे थे कि घर दे, घर वालों घर दे, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे कान्हा जी ने आज ये सपना पूरा कर दिया। हो गया, अरे तो बहुत पहले हो गया था आपको। मैंने तो यही कहा था कि कान्हा जी जहाँ तुम लेके जाओगे वो जगह स्वर्ग से सुंदर होगी। अब बताओ जगह कैसी है, जगह बताओ। बहुत सुंदर है, अभी तो सुंदर बनेगी। कॉलोनी भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कॉलोनी। अच्छा गाइस 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 गाइस, एक और चीज बताता हूँ अंकल, किस्मत में होता है घर, ये मेरे को आज पता चल गया, ये घर हमसे पहले किसी ने खरीद लिया था। अच्छा मैं बताता हूँ, यशी को मैंने सबसे पहले देखा, मैंने कहा यार यशी ये देखने लायक है, ये देखी गई, आपको पता है ये कम से कम 6-7 बार देखी गई मेरे अलावा। जब इस घर को, जब भी यहाँ से निकलती करती थी ना, इस घर को देख के जाती थी, मस्त घर है। अब ये जब मैं उनसे बात करा तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो कोई और दे गया इसकी पेमेंट। मैंने कहा शिट, फिर हम लोग इधर उधर और देखने लगे, जब आप लोग को और दिखा रहे थे, ठीक है इधर उधर दिखा रहे थे, उसके बाद क्या सीन हुआ, वापस से मुझे पता चला जिसने ये लिया था उसका लोन हो गया कैंसिल। मैंने इसको भी नहीं बताया, मैंने तुरंत निकाले 50,000 की गड्डी, मैंने कहा भाई साहब बैठो टेबल पे, और मैंने डन करके आ गया। फिर डन करके मैंने इसको बताया कि मैंने यार ये मैंने तो ले लिया वो हाँ, क्योंकि यार मेरे को ये चाहिए था, यही बार बोल यार सूरज वो हाथ से चला गया, वो हाथ से चला गया, अच्छा लगा भानु को भी एक नजर में पसंद आया था, सबको सबको जिसको है ना इस घर के अंदर, किसी को भी ये नहीं आई थी कि इसमें ये नहीं है या वो नहीं है, कुछ भी नहीं आया, सबको ये पसंद आ गया। उसके आसपास भी नहीं था कोई घर बराबरी में अगर देखा जाए तो, सुंदरता में, कॉलोनी वाइज, सब चीजों की वाइज। और ना ये मतलब उस दिन जैसे ही मुझे पता चला कि भैया ये बात कर सकते हैं, मैं तो अंकल के पास गया, और उस टाइम तुरंत ही, और उस टाइम तुरंत उनके पास वापस से कॉल आया एक और कि भैया इसका बायर है, कल मीटिंग करते हैं। मैंने कहा अंकल आज अपनी मीटिंग हो चुकी है, अब इसको कर दो डन। अब मैं देख के तो आ गया, अब मैं खुद भी घबरा रहा, मैंने कहा पेमेंट तो दे दिया मैं खुद घबरा रहा, मैंने कहा यार दे तो आया, एक बार पूछना तो चाहिए था। मैं फिर यहाँ पे आ गया, मैंने कहा देसी मैंने वो कर दिया। अगर एक बात बता, अगर तेरे को इस बारे में डांट पड़ती तो काम करती डांट, मैं तो फिर मैं वो देखा जाता, फिर मैं खा लेता था सारा क्या। अगर ये मना कर देती तो फिर मैं एक बार को नुकसान खा लेता, बट मैं क्यों करती मेरा, मुझे तो बहुत, लेकिन मेरे को पता मैं देता क्यों बिना, मुझे पता था कि सबको ये घर अच्छा लगा, इनको सबको अच्छा लग गया, सबके मन को भाग गया, मैंने कहा चाहिए तो ये जरूर। अब वो किस्मत में था ही अपने, पहली बार तो चला गया, दूसरी बार में जब मुझे पता चला मैं तो भाई मैंने तो जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी चीज मिलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अच्छा आपको पता है एक दिन भूमि और भवन, सुनो सुनो आपको याद हो एक चीज की, आप बोल रहे थे कि बच्चे परेशान से लग रहे हैं धनतेरस पे, हमें लग रहा है ना, उस वक्त लग रहा था, उस दिन में ही धनतेरस के दिन खरीद लिया था ये घर, धनतेरस के दिन खरीद लिया था, जयपुर में नहीं था मैं, हिमाचल में था उस दिन, जब दनमून का फोन आया था डैडी मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैंने कहा ठीक है बेटा, उस दिन मैं हिमाचल में था, जो भी है सब सुनना भाई है ना, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम लोग ये सब कर पाएंगे, बच्चों ने करा, चलो भाई चलो।
आज मालिक ओके बस करो भाई। तो मैंने तो रोई नहीं, अब क्या रो रही हो? बेटा ये रोना नहीं है, ये खुशी है। ओके और ये बेटियों के ऊपर गर्व है कि ये हमारी बेटी है। पता है मेरी मम्मी ऐसे कहती थी, तन्नु सब कुछ कर लेगी। ये पूरी सुयश टीम और पूरी सुयश फैमिली, इस घर का इनॉग्रेशन और मेरे घर का इनॉग्रेशन दोनों का बहुत धूमधाम से करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब अंदर अंकल आंटी आए, जैसे मेरे घर वाले भी जब अंदर आंटी आए अंदर जाए, तो हम बस वेट कर रहे हैं कि जो हमारी फिनिशिंग है, जो हमारा छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब हम लोग कंप्लीट कर ले। तो दोनों, मैंने क्या बोला, दोनों का घर साथ में ही होगा, ऑलमोस्ट दोनों का घर साथ में ही रेडी होगा और दोनों के पेरेंट्स एक साथ घर के अंदर जाएंगे। हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे। ये बाबा की कृपा है इन बच्चों के ऊपर और हमारी सुरेश फैमिली को बहुत सारा प्यार है। उन्होंने आज हमें इतने सालों से थैंक यू सो मच। ये सब उनकी देन है, इतने सालों से हमें इतना प्यार करते आए हैं। कैसे 3 महीने वेट करेंगे, हम ही जानते हैं कब हम ये ब्लॉग बनाएंगे भाई। हमारे तो पेट वो ही नहीं पहुंचे एक्साइटमेंट के मारे काम ही नहीं हो रहा, आज तो हमने कोई काम ही नहीं किया। एक तरफ एक्साइटमेंट, एक तरफ टेंशन, इसमें गोलन गोल गोलन गोल भाई। मतलब यार दो घर एक साथ चलाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इधर भी बन रहा है इधर भी बनेगा। हमारे पास खूब सारी स्टोरी होती जा रही इकट्ठी, बताएंगे एक बार में बताएंगे बताएंगे। सूरज आधे दिन बाहर ही रहता था, गया था ये पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन है ना आप दोनों कहीं बाहर गए थे शायद मुंबई, आंटी का मेरे पास पीछे से फोन आया है ना, आंटी यहाँ आई थी शायद, तो इनको बोल दिया किसी यूट्यूबर ने खरीद लिया घर। अब आंटी चुपचाप मेरे को फोन करी, बोली बेटा किसी को बताना मत, मैं देर से पूछ रही हूँ घर खरीद लिया क्या। फिर क्या, मैंने पीछे स्टोरी डेवलप करी, मैंने कहा भाई साहब उस जगह के यूट्यूबर आ रहे हैं यहाँ पे, कोई बाहर के यूट्यूबर, ठीक है उन्होंने ले लिया। फिर मैंने कहा इनके ओनर और इन सबको बना करवा दिया, सबको बना कर दिया कि किसको कुछ बोलना मत, यहां तक आके पता कर लियो जो भाई ये लोग यहां आज तक। सोचो सोचो, मैं एक सेकंड, नहीं पता तुम लोगों को एक बात पता है, इस कॉलोनी में सब शाम वक्त है। एक और चीज बताऊं, इनकी एक्साइटमेंट इतनी थी, इनको देख देख के बार बार लग रहा था, और हम क्योंकि मुझे पता था कि सबको पसंद आ गया घर, ये बार बार आसपास पता करके जा रही, वो बिक जाएगा, वो बिक गया, शिट गया, बोले वो अपने बढ़िया था, बिक गया बिक गया, और हम ऐसे करके हाँ ठीक है भाई खरीदा ही हमने। और इसको शेमड़ी और पकड़ रहे था, बता ये मेरे को पकड़ लिए, बोले बता तेरे को मेरी कसम है, बता मेरे को तेरे ऊपर था कि तू मेरे को शायद बता सकती है। सॉरी 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 है, देखो कसम दो या कुछ भी दो, आज लग रहा था कि आज जा रहे हैं अब सोचा, इसीलिए तो मैंने प्लान बनाया था कि निर्माण नगर वाला फोन नहीं उठा रहा, जबकि निर्माण नगर में घर ही नहीं था, झूठे बोल रहे थे अपना जो मकान है ना वो निर्माण नगर में। तभी क्या घर तो हो गया, थोड़ी बहुत चीजें हैं जैसे रूम की पैनलिंग वगैरह है, बेड के बैकग्राउंड वगैरह है, वो सब के लिए हमारे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी कि हम लोग आपको इतना वेट करा रहे हैं हमारे होम टूर्स के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स को बेस्ट से बेस्ट हम लोग दे पाए, जैसे महीना लगे 1.5 महीना लगे, लेकिन उनको एक बार के लिए हम लोग बेस्ट दे दें, कि उनको कभी सेकंड थॉट ना आए कि हमारे कोई और बड़ा घर चाहिए या दूसरा घर चाहिए। और हमारे घर से भी और पास हो, सबके पास है, हमारे फ्लैट फ्लैट से भी पास हो, तो बहुत चाबी मिल गई क्या अपने को आज? चाबी हाँ ये सूरज ले जाओगे? हाँ आप परसों ले जाइएगा, मेरे को सफाई एक बार कर लेना। हाँ सफाई करवा दो, एक बार मैं परसों ले जाऊंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्लीन करा दो अच्छे से। सॉरी पानी का ये वाला लगा दो भाई ऊपर। चलो गाइस ब्लॉग एंड करते, थैंक यू वॉचिंग, लव यू, बाय।